सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज लाइब्रेरी लेबोरेटरीज कंप्यूटर रूम डिजिटल क्लासरूम्स म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल डांस क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट वेसा नागपुर अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999 सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक आशीष जायसवाल के काफिले की कार दुर्घटना का शिकार हो गई। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिससे स्थानीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मृतक में महिला भी शामिल है। हालांकि आशीष जायसवाल सुरक्षित बच गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त वह कार में मौजूद नहीं थे। हादसा उस समय हुआ जब सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने के लिए कनान आ रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा नागपुर से करीब 21 किलोमीटर दूर केडी परिसर में हुआ। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विधायक जायसवाल की इनोवा कार क्रमांक MH40BT1717 रामटेक से कनान की ओर आ रही थी। केडी बस स्टैंड के पास एक बाइक चालक सड़क पर कार के सामने अचानक आ गया और इसे बचाने के लिए विधायक की कार के चालक मनोज गोतमारी ने अपना वाहन एकाएक मोड़ दिया। ठीक उसी समय रामटेक में कार्यरत सरकारी महिला वकील मनीषा राउत उम्र 45 भंडारा निवासी नागपुर से रामटेक की ओर अपनी कार क्रमांक MH36Z8183 से कोर्ट के काम से जा रही थी। राउत की कार चालक मिलिंद डोंगरे भंडारा निवासी चला रहा था। इस दौरान उनकी कार को विधायक की कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला वकील की कार सड़क से नीचे एक खेत में घुस गई। विधायक की कार का सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में मनीषा राउत और उनके चालक दोनों गंभीर जख्मी होकर कार में फंस गए। मामान पुलिस के API सचिन कुमार से लेकर पुलिस उप निरीक्षक बुंदे हवालदार माकरवार घोड़के बावनी यादव पुलिस नायक राजनी ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर NHR के कर्मचारियों की मदद से कार में फंसी महिला वकील और उसके चालक को बाहर निकालकर तुरंत कामठी के निजी अस्पताल पहुंचाया। सिर पर गंभीर चोट होने से राउत को नागपुर रेफर किया गया। वहीं उनके चालक की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। विधायक जायसवाल की कार का चालक गोतमारी भी इस हादसे में जख्मी हो गया, लेकिन PA मेश्राम को कोई चोट नहीं पहुंची। मेश्राम ने ही पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ मनीष टेम्परे की रिपोर्ट।